हाय फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? तो गुंजन की रसोई में आपका स्वागत है। हम आपके लिए से नई नई चीज़ें लाते रहेंगे, तो आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाया करिए, ताकि मुझे भी तो पता चले आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और सब्सक्राइबर बढ़वाइए थोड़ा सा, और आप लोग कमेंट अच्छा अच्छा करते हैं तो कमेंट भी किया करिए। तो आज हम आप लोगों के लिए कुछ नया बनाया है, गांव की चीज़, देसी चीज़ है। गांव में जो महुए, जो कोवा नहीं होता, महुआ का पेड़ होता है, जब महुआ गिरता है उसके बाद उसमें कोए लगते हैं, तो उस कोवा जब पक जाता है तो उसमें अंदर के बीज जो होती है वो कुसली निकलती है। तो ये गांव में जो देसी चीज़ें है वो हम आप लोगों के लिए शेयर कर रहे हैं। तो इसको महुए कोए को हम छील ले रहे हैं, छीलने के बाद जो है इसको हम बीच से काट दे रहे हैं, तो कुसली हम अलग कर देंगे और उसका जो छिलका है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद जो है इसको पानी में डाल देंगे, और इसमें ना वो दूध लगा रहता है थोड़ा सा, तो आप लोग जब इसको छीलिएगा तो दूध हाथ में ना लगे और चिपकने लगता है, तो आप लोग थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा, और पानी लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा। तेल लगाने के बाद उस कोए को छीलिएगा तो जो दूध है वो हाथ में नहीं लगेगा, तेल में जो है चाकू में सब निकल जाएगा। तो आप लोग तेल लगा के महुए कोए को छीलिए। तो हमने सारा महुआ का जो कोवा होता है उसको छील के ये पानी में डाल दिया था। डालने के बाद ना इसको नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल के इसको धुलेंगे। इसको नमक डाल के धुलने के बाद से इसमें जो दूध होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, और उससे जो है दूध निकल जाता है, और दूध निकलने के बाद जो है उसका जो है खाने में स्वाद बहुत अच्छा आता है। उसके बाद जब दूध उसमें निकल जाता है तो, और छीलते वक्त चिपचिपाता भी है, तो तेल लगा के छीलेंगे तो वो चिपचिपाएगा भी नहीं, और नमक डाल के धुल लेंगे तो वो साधारण से कोए सब अलग अलग हो जाएंगे। तो हमने धुल लिया है, धुलने के बाद ये कुकर में डाल दिया। कुकर में डालने के बाद जो है इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। एक गिलास पानी डालिए या डेढ़ गिलास पानी डालिए, जितनी आपकी आवश्यकता उतना डालिएगा। तो हमने एक गिलास डाल दिया है। डालने के बाद इसको कुकर को हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको हम अब गैस पर रख देंगे। तो ये देखिए गैस पर रख दिए थे, उबल गया था। उबलने के बाद ये पक गया है। पकने के बाद इसको हम पलट ले रहे हैं। तो महुआ का कोवा का जो है ना, आप पकौड़ी बनाइए या बरिया बनाइए या इसका अचार बनाइए, इसकी चटनी बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों ने इसको कभी बनाया खाया है कि नहीं, आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। अभी बहुत गर्म है तो चम्मच की सहायता से इसको हम थोड़ा ठंडा कर ले रहे हैं। अब ये ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद इसको हमने थाली में पलट लिया है। तो आज हम महुए की ये कोवा है और कोए की हम इसके, आप इसका पकौड़ी का भी नाम दे सकते हैं या तो जो है बड़े का नाम दे सकते हैं। तो हम इसका आज बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा खाने में सबको बहुत पसंद है, तो हम लोग के घर में देसी चीज़ें बनती रहती है, तो हम आप लोगों के साथ ऐसे देसी चीज़ें शेयर करेंगे। और ये हरी मिर्च लिया हमने 4-5, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लहसुन लिया है, थोड़ी सी धनिया है मेरे पास, तो धनिया भी ले लिया है। अब इसको हम कूट ले रहे हैं। आप इसको चाहे तो मिक्सी में पीस लीजिए, ना इस सिलबट्टे में पीस लीजिए। पीस के इसका पेस्ट रख लीजिए, उसके बाद एक चम्मच डाल दीजिए, आधा चम्मच डाल दीजिए। तो हमने कूट लिया खलबट्टे में, ये थोड़ा दरबरा रहेगा तो ज़्यादा खाने में अच्छा लगेगा। ज़्यादा बारीक हो जाता है तो उसका स्वाद कम अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ों में जो है कूट के डालिए या दरबारा पीस के रख लीजिए, उसके बाद डालिए तो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये देखिए हमने कूट के रख लिया था खलबट्टे में, उसको डाल दिया है। तो आप लोग जो है इस तरह ज़रूर बनाइएगा महुए कोए का बरी, बहुत अच्छी लगती है खाने में, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। तो आप कटोरी से भी नाप सकते हैं, या दाल वाली कलछुल जो होती है उससे भी नाप सकते हैं, या तो जो है कप ले लीजिए उससे नाप लीजिए। तो हमने ये दाल वाली कलछुल लिया है, जो 4 कलछुल हमने बेसन लिया है। आप आधा चम्मच इसमें धनिया का पाउडर थोड़ा सा डाला है, गरम मसाला है, 1 चम्मच के लगभग हल्दी है, और थोड़ी सी हमने हींग डाला है, आधा चम्मच जीरा डाला है।
ये जवाइन है, इससे क्या होगा, जो महुए का कोए होता है वो थोड़ा बहुत लोग को बादीपन लगता है और बहुत लोग पचा लेते हैं, तो आप जवाइन जरूर डालिएगा, इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा खाने में जवाइन से। तो थोड़ी सी हमने जवाइन लिया हाथ में और उसको मसल दिया है बारीक तरीके से, तो उसमें हम डाल दिया अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसको और खाइएगा, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू निचोड़ दे रहे हैं, अगर आपके पास अमचूर पाउडर हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं, उससे क्या होगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमने थोड़ा सा आधा चम नींबू निचोड़ दिया है, अमचूर पाउडर इस वक्त मेरे पास नहीं था तो हमने थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया है, आप लोग के पास अमचूर पाउडर रहे तो वो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नींबू निचोड़ दीजिएगा, नहीं इसमें आम हो, आम आजकल तो आम का सीजन है तो आप लोग आम भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मसल ले रहे हैं हाथ से, खूब बढ़िया इसको हम हाथ से मींज लेंगे ना, मींजने के बाद ये थोड़ा बारीक हो जाएगा, उसके बाद जो है बहुत अच्छी पकौड़ी बन के तैयार होगी। तो आप इसको चाहे पकौड़ी का शेप दे दीजिएगा चाहे बड़े का, तो हम इसको बड़ा बनाएंगे, हमारे घर पे जैसे बनता है हम उसी तरह बनाएंगे, आपके घर में कैसे बनता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और देखिए हाथ उबला हुआ कटहल का, ऐसे कटहल का जो कोवा नहीं होता उसके भी हम लोग ऐसे बनाते हैं घर पे, तो ये महुए का कोवा होता है उसकी भी हम लोग इसी तरह बनाते हैं। तो अब इसको हम गोला गोला कर ले रहे हैं थोड़ा सा, जैसे बड़ा नहीं बनता उसी तरह हम इसको बना ले रहे हैं, बना के इसको थोड़ा सा रख ले रहे हैं, तो ये जल्दी थोड़ा बन के तैयार हो जाएगा। ऐसी चीज़ें गांव में देसी चीज़ें सबके घर पे बनती है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के घर में क्या बनती है। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, अब उसमें हम तेल डाल देंगे। अब तेल देखिए थोड़ा सा गर्म हो गया है, कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो गई थी तेल डालने के बाद, एक एक करके देखिए हम जैसे दही बड़ा नहीं बनता है तो ये बड़ा का शेप दिया हमने, एक एक करके बना के अब हम इसको हम तेल में डाल देंगे, और ये खाने में बहुत अच्छा होता, आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। ये थोड़ा सा तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, और इसमें तेल गर्म होना भी चाहिए इसलिए जो बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इसमें बीच में हम इसलिए छेद कर दे रहे हैं ताकि ये जो है चारों तरफ अच्छी तरीके से पक जाए। तो जितना आया उतना हम डाल दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये थोड़ा सा तेल पे मत जाइएगा, हमने तेल जो है ना ये गांव की सरसों थी तो ये सूखी नहीं थी, थोड़ा सा अगर इसको सूखवा लिए होते तो जो है तेल में फेना ना निकलता, थोड़ा ये सूखी नहीं थी इसलिए जो है तेल इस तरह है। तो घर की सरसों है घर जो है तो तेल तो अच्छा बनेगा ही। चक्की पे ले जाइए, पिरवा के ले आइए, घर का तेल है, घर की सरसों है, ये थोड़ा धूप में सुखवा लिए होते, सुखवाने के बाद इसको हम चक्की पे दिए होते तेल सरसों पेरने के लिए, तो तेल में ये जो बुझबुझे निकल रहे हैं, फेना निकल रहा है, ये ना निकलता। तो ये देसी तेल है और घर का तेल है। तो इसी तरह हमने सारे बड़े देखिए बना लिए हैं, तो खट्टी मीठी चटनी के साथ आप लोग खाइए, तो हम तो अब बनाए हैं खाएंगे ही इसको, आप लोग इसी तरह देख के मेरी पूरी वीडियो वन तक अपने घर पे बनाइएगा खाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसे लगती है। और ये देखिए हमने एक बड़ा उठाया है उसमें चटनी में लपेट रहे हैं, चटनी में लपेटने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है ऐसे करने में, और ऐसी चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है, इसे बच्चे भी बहुत पसंद होते हैं। तो टमाटो सॉस के साथ खाइए, नहीं तो आप लोग टमाटर है धनिया है उसकी चटनी बना लीजिए, और आजकल तो आम का सीजन है आम की चटनी आप लोग बनाइए और उसके साथ खाइए।
और ये गांव की देसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो आप लोग खाइएगा, बनाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसे लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्ते दोस्तों।